हेलो, वेलकम टू करेंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए हम लोग अपनी क्विज सीरीज जो एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से पूरा करते हैं। यहाँ पे हम टॉप 5 क्विज को देखेंगे एमसीक्यू को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद टेलीस्कोप दैट इज ST इज अ वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप लोकेटेड इन। ऑप्शन देख रहे हैं आप, असम है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, और डी में आप लिख सकते हैं नन ऑफ। तो आप लोग पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए अभी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड रिसेंटली हाईलाइटेड किया है कि जो नीड फॉर द डिस्कशन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप। तो याद रखना कहाँ, उत्तराखंड। और ये कब बात कर रहे थे, तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था टू कमेमोरेट द कम्प्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो 50 साल हो गया इस संपूर्णानंद टेलीस्कोप का ऑपरेशनलाइज। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, 104 सेंटीमीटर। ये जो है ना, एक वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप है लोकेटेड इन नियर नैनीताल। द टेलीस्कोप एट मनोरा पीक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। तो 1972 में इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, मनोरा पीक पे, जब अराइज वॉज नोन एज द यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी। और यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, इट एम्स टू इंश्योर हर घर जल दैट इज पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। सेकेंड क्या है, नीति आयोग इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या केवल ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, या केवल स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी रिसेंटली डिस्क्राइब्ड क्वालिटी क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी एज द कोर प्रिंसिपल फॉर द सक्सेस ऑफ जल जीवन मिशन। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें 2024 तक जो है ना, हर घर जल पाइप वाटर सप्लाई देना है ऑल रूरल हाउसहोल्ड। ठीक है, अंडर द जल जीवन मिशन। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द जल शक्ति मंत्रालय। आपको पता होगा कि जो 17वीं अभी लोकसभा चल रही है उसके अंतर्गत जो है ना, जल शक्ति मिनिस्ट्री का अनुमोदन किया गया था, जिसमें बहुत सारे कुछ डिपार्टमेंट थे पहले जो अलग अलग चलते थे। ठीक है, उसको मिलाकर के एक मिनिस्ट्री बना दिया गया था। कारण क्या था, कि वाटर क्राइसिस से निपटना है। अगर हम जल जीवन मिशन के स्ट्रेटेजी की बात करें, तो इसको एक तरह से इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है लोकल लेवल पर। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे, और कुछ मेथड है जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और मैनेजमेंट, हाउस होल्ड वाटर जो रीयूज होता है उसको हम एग्रीकल्चर में, उसके लिए जो है ना, यहाँ पर प्लान बनाएंगे। द मिशन विल कवरेज विल अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्रीज। अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो इसमें 50-50 फंडिंग होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर बिगर स्टेट है, और अगर स्टेट मान लीजिए हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, जैसे इनके तो 90:10 मतलब 90% फंडिंग सेंटर देगी, 10% वो पार्टिकुलर हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देगी। लेकिन अगर यूटी की बात करो, तो वहाँ पर 100% फंडिंग आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द काशी तमिल संगम प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बस सेम ऑप्शन होगा, कि केवल स्टेटमेंट 1 सही है तो ए, केवल स्टेटमेंट 2 सही है तो 2, अगर दोनों सही है तो ऑप्शन सी, और दोनों गलत है तो ऑप्शन डी। पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दैट इज द ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रोग्राम विच वुड बी पार्ट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट रिकाइंडिंग द सिविलाइजेशन लिंक बिटवीन द न्यू काशी एंड तमिलनाडु बोथ डीप सेंटर ऑफ नॉलेज। बिल्डिंग अ हेरिटेज ब्रिज फॉर द न्यू जनरेशन वॉज अ की फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम 2500 पीपल डिवाइडेड इंटू 12 ग्रुप वुड बी ट्रेवलिंग टू वाराणसी बाई ट्रेन ड्यूरिंग द पीरियड।
तो इस पार्टिकुलर जर्नी के पॉइंट्स होंगे तमिलनाडु, चेन्नई, रामेश्वरम एंड कोयम्बटूर, ठीक है। द ग्रुप वुड इंक्लूड स्टूडेंट्स, टीचर्स, आर्टिसंस एंड पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। द टूर वुड इंक्लूड सेमिनार्स, लेक्चर्स, ग्रुप मीटिंग्स और काशी विश्वनाथ टेम्पल, सेंटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट तमिल कल्चरल हेरिटेज इन वाराणसी, ठीक है। द नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रोग्राम वुड बी IIT मद्रास एंड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज BHU, वाइल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वुड बी द होस्ट स्टेट। फोर्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आवास योजना दैट इज उड़वन, PMAY उड़वन, यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन वही होगा कि अगर स्टेटमेंट वन केवल करेक्ट है तो ए, अगर केवल दो करेक्ट है तो बी, दोनों करेक्ट है तो सी, और दोनों में से कोई नहीं है तो डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप इस पार्टिकुलर को देखोगे तो ऑप्शन ओनली टू करेक्ट होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन क्या है, तो अभी जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना उड़वन के लिए जो है ना अवार्ड 2021 सेशन के लिए लॉन्च किया गया महुआ के द्वारा, ठीक है, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजिशन मिला है और मध्य प्रदेश को सेकेंड और तमिलनाडु को थर्ड। गुजरात वन 5 स्पेशल कैटेगरी अवार्ड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है महुआ को कौन, मतलब ये जो आप PMAYU है इसको कौन करता है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था मिशन 2015 से 2022 तक के लिए और महुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड उर्बन अफेयर्स। मिशन क्या है, टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल इन उर्बन एरिया बाई 2020। जिस तरह से आपको जनजीवन मिशन के अंतर्गत है ना कि सारे विलेज में 2024 तक हमें पाइप वाटर पहुँचाना, उसी तरीके से यहाँ पे है कि उर्बन एरिया में जो शहरी एरिया वहाँ पे जो है ना हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जब नेशन कंप्लीट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर्स क्या है, अंडर इट सेंट्रल रेजिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू अर्बन लोकल बॉडी दैट ULB एंड अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थ्रू स्टेट यूटीज। इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्लम्स डवेलर्स यूजिंग लैंड एंड रिसोर्स थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अगर आप फीचर की बात करोगे PMAYU की, तो इसमें सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज को एंड अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थ्रू स्टेट यूटीज, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें बात करोगे तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन में क्या किया जाता है, तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी दिया जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप दिया जाता है, सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल दिया जाता है। अगर आप इसके फीचर्स की बात करोगे तो इसमें जो है ना सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है लोकल अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। लिंकिंग यू नो क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाइल द 3 कंपोनेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो ऑल स्टैट्यूटरी टॉन्स एज पर सेंसर 2011 एंड टॉन्स नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली विल बी एलिजिबल फॉर द कवरेज अंडर द मिशन। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन बस्टार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेम है कि अगर ऑप्शन वन सही है तो ए, मतलब केवल स्टेटमेंट वन तो ऑप्शन है, तो कुछ इस तरह से जैसे पहले चलता है हमारा ऑप्शन वही होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। सेकंड क्या, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो आप प्लीज़ पॉज करके बनाइए, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल स्टेटमेंट वन सही है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी जो है ना रिसेंट साइटिंग ऑफ 3 ग्रेट इंडियन बस्टार्ड दैट इज GIB डीप इन पाकिस्तान चोलिस्तान डिजर्ट। आपको पता है कि जो हमारा थार रेगिस्तान है उसी का एक पार्ट चोलिस्तान डिजर्ट होता है, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड में। और ऐसा स्पेकुलेशन किया गया है कि जो ये इंडेंजर्ड बर्ड है माइट हैव फ्लोन अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर फ्रॉम इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा, तो राजस्थान में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड मेनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज ऑफ इंडिया। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हैवली फ्लाइंग बर्ड, इंडियाज हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। अगर एक मेल बर्ड की बात करोगे तो उसका वेट 12-15 kg होता है और फीमेल का बर्ड तो 5-8 kg होता है, ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करोगे तो ब्लैक क्रॉन ऑन द फोर हेड कॉन्ट्रास्टिंग विद द पेल नेक एंड हेड, द बॉडी इज ब्राउनिश एंड द विंग्स मार्क विद ब्लैक ब्राउन एंड ग्रे। अगर आप डाइट की बात करोगे तो ये ग्रास सीड्स इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स एंड बीटल्स एंड समटाइम्स इवन स्मॉलर रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स को खाता है। द स्पीसीज प्राइमरी फीड मस्क सेवन ग्रास। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो 150 जो राजस्थान में है, मतलब अगर आप बोलोगे तो ये 150 इंडिया, इसमें से 95% जो है ना, मतलब एक तरह से टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, ठीक है, 150 राजस्थान में। दे आर मेनली जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इंक्लूडिंग द डेजर्ट्स नेशनल पार्क विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द स्पीसीज।
ग्रासलैंड ऑफ कच्छ इन गुजरात विच इज होम टू द सेकंड लार्जेस्ट बस्टार्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। एडी डिवीजन महाराष्ट्र जैसे सोलापुर, कर्नाटक, वेलापुर, हवेली और आंध्र प्रदेश का कर्नूल में होता है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये एक तरह से जो है ना गर्म स्थानों पर रहती है, जो बालू जहाँ पे है, डेजर्ट्स है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करोगे तो ये शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सम्मिलित है। अपेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ऑन द IUCN रेड लिस्ट। अगर आप इसके ब्रीडिंग सीजन की बात करोगे तो ये मार्च टू अक्टूबर है, और अगर आप कैप्टिव ब्रीडिंग की बात करोगे तो DNP जो हमारे डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया था बाय द देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2099, ठीक है। एज मेनी एज 24 जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है चिक्स आर बीइंग रियर्ड, मतलब पैदा किया गया वहाँ पे बाय अ टीम सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल फंड फॉर हॉवेरा कंजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑकेजनल पोचिंग आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, ये थ्रेट्स हैं। हैबिटेट लॉस, ये भी एक थ्रेट हो सकता है। बर्ड स्टार्ड विद देयर कूल फ्रंटल विजन एंड हेवली बॉडीज हैव ऑल्सो डाइड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर भी इसका क्या हो सकता है, एक थ्रेट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो सही टाइम पर चाहिए डेली बाई डेली तो आप बेल आइकन को, घंटी की जो बटन है उसे दबा लें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, बहुत आभार हमारी वीडियो को देखने।